जनवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मामा की भांजिया दबंगों से परेशान, बुलडोजर चलाने की मांग। सहायक कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार स्वर्गीय लक्ष्मीकांत तिवारी को दी गई श्रद्धांजलि। हत्या के मामले में 7 साल के बाद हटा में हुआ खुलासा। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त मोर्चा की। कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में कर्मचारी संघ के सदस्यगण मौजूद थे। तमाम संगठन के सदस्य यहाँ मौजूद थे, जिनके द्वारा संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। शाम 5 बजे के बाद एक ज्ञापन सौंपा गया है। तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। 28 तारीख को प्रांतीय आह्वान पर मध्य प्रदेश शासन की अनदेखी को देखते हुए हमारा आंदोलन आज अंतिम चरणों में पहुंचने वाला है। आज हमने शासन का ध्यान धरना और ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। यदि इसके बाद मध्य प्रदेश शासन हमारी 17 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करती है, तब दिनांक 4 तारीख को एक दिवसीय अवकाश पर पूरा हमारा कर्मचारी संगठन अवकाश पर रहेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। इस 17 सूत्री मांगों में सर्वप्रथम मंत्रालयीन कर्मचारियों के समान हमें ग्रेड पे दिया जाए, मंत्रालयीन कर्मचारियों के समान हमें पूर्ण सुविधा दी जाए, नृत्य का नाम परिवर्तित करके कार्यालय सहायक किया जाए, वाहन चालकों के जो रिक्त पद हैं उनकी पूर्ति की जाए, टैक्सी प्रथा समाप्त की जाए, सहायक शिक्षक इनका जो क्रमोन्नत वेतनमान है उसके स्थान पर समयमान वेतनमान दिया जाए। इस प्रकार से 17 सूत्री मांगे हमारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा रखी गई हैं। मैं शासन से अपेक्षा करता हूं कि शीघ्र हमारी मांगे पूरा करें। सभी मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमारी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। और यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम बड़े आंदोलन के लिए अग्रसर हो जाएंगे और आगामी दिनांक 4 तारीख को सभी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। तो माननीय शिवराज सिंह जी से अनुरोध है कि हमारी मांगों पर ध्यान दें। आगामी समय में चुनाव भी हैं और कर्मचारियों के द्वारा ही चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। आपका नाम? श्वेता सरोटी। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हम सब ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में विशेष मांगे हैं पुरानी पेंशन और जो हमारे वाहन चालकों की भर्ती नहीं की जा रही है। विशेष रूप पर हम यही मध्य प्रदेश सरकार को बताना चाहते हैं कि यदि आप जब वाहन चालकों की भर्ती नहीं करेंगे तो आप दौरा कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं कि गांव-गांव में अधिकारी कर्मचारी किसी भी गांव में दौरा करने के लिए नहीं जा रहा है। अधिकारी प्राइवेटीकरण के कारण स्वतः प्राइवेट कार्यों में लगा हुआ है। इसलिए मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विशेष मांग है कि वाहन चालकों की भर्ती पर जो रोक लगी है उसे तुरंत हटाएं एवं हमारे दैनिक वेतन वाहन चालक साथी भाई हैं जो 15 सालों से 20 सालों से दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से रेगुलर करें। हम लोगों की 17 सूत्रीय मांगे हैं। हम चाहते हैं कि कर्मचारियों को आप किसी भी तरह से परेशान ना करें। यदि आप परेशान करेंगे तो हम आने वाले चुनाव में आपको भी अपना रुझान दे देंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के द्वारा ग्राम लखनाखड़ी वन परिक्षेत्र में आज वृक्षारोपण किया गया। माननीय न्यायाधीशगण मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में 500 से अधिक वृक्ष यहां पर लगाए गए। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश अनुसार एवं माननीय श्रीमती रेणुका कंचन प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह एवं श्री अंबुज पांडे जिला न्यायाधीश सचिव महोदय की उपस्थिति में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में RC चौबे, SDO वन विभाग दमोह, विक्रम चौधरी रेंजर वन विभाग,
समन्वयक जन अभियान परिषद जन साहस एवं चाइल्डलाइन दमोह उपस्थित रहे। यहां पर 500 पौधों का रोपण किया गया। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज़ दबाओ। दमोह देहात थाना अंतर्गत इबलाई में रेलवे कॉलोनी में रहने वाले इमरत पटेल उम्र 35 वर्ष के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। अज्ञात कारणों के चलते उनके द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। कल्लन पटेल और प्रेमलाल पटेल इमलाई का निवासी हूँ, जो कि मेरे भाई ने फांसी लगा दी और आत्महत्या कर ली, और उसके जेब में से एक सुसाइड नोट भी मिला है। उसके उसमें चार नाम है जो कि मैं अभी नहीं ले सकता हूँ वो। और हमारी एक लड़ाई चलती थी पुरानी, मतलब हमारे भैया ने लव मैरिज की थी, तो वो पंडित समाज की थी, वो भी पंडित हैं जो जिनसे अभी लड़ाई हुई थी होली के टाइम पे, तो उसमें भी FIR वगैरह हुई थी। तो वो बोल रहे थे कि उसमें राजीनामा करो नहीं तो जान से मार देंगे, धमकी देते थे जब जब देखो जब उसको। कल हम और मम्मी और पापा कोई नहीं था घर पे, तो हमें लगता है फिर से उन्होंने धमकी दी है, उसके कारण से उसने फांसी लगा ली। जिसने फांसी लगाई है उसका नाम क्या है? उसका इमरत प्रसाद पटेल और कल्लू पटेल। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम जीवन पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं तो पिपरिया के, पर 15-20 साल से इमलाई में रहते हैं, इमलाई रेलवे कॉलोनी। ये घटना कब की है? ये कल रात की है। क्या किया है आपके भाई ने? फांसी लगा ली उसने। पुलिस में FIR दर्ज कराई है आपने? FIR अभी नहीं हुई है, पंचनामा हुआ है और पोस्ट PM हुआ है बस। जिन्होंने ये कृत्य करने पे मजबूर किया उनके नाम बता सकते हैं आप? उनके नाम सुसाइड नोट में है, वो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। जिनसे विवाद चल रहा था उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुरेंद्र दुबे, कैलाश दुबे, जिट्टू दुबे और सुनील दुबे। आपके भाई की उम्र क्या है? हमारे भैया 63 साल का। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। दमोह जिले के पथरिया थाने की जेरर चौकी अंतर्गत नेवरा क्लास से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर छात्र छात्राएं स्कूल नहीं जा रहे हैं, ग्राम के लोग गांव के बाहर नहीं जा पा रहे हैं। बताया जाता है ग्राम के दबंग लगातार कहर बरपा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की बेटियों को अपनी भांजी बताते हैं, लेकिन उनकी भांजियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं क्योंकि दबंगों का आतंक है, और इतना अधिक आतंक है कि वह स्कूल जाने से अब डर रही हैं। उन्हें धमकी दी जाती है कि पुल से नीचे फेंक दिया जाएगा, गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं, छात्राएं परेशान हैं। ग्रामीणों को जब इस बात की जानकारी लगी तो ग्रामीण बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना कि जब भी शिकायत की जाती है तो उल्टा उन्हें धमकाया जाता है, पुलिस भी कोई कार्यवाही करने से डरती है। ग्राम में इतना दबंगों का आतंक है, असामाजिक तत्वों का आतंक है कि पुलिस भी कई बार अपने कदम पीछे खींच लेती है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों के द्वारा ऐसी ही शिकायत दर्ज कराई है। ये मामला है पथरिया थाने की जेरट चौकी अंतर्गत निवोरा कला का, जहां से छात्र छात्राएं जेरट पढ़ने के लिए जाती हैं, लेकिन जब वह जाना चाहती हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। ग्राम के लोग काफी परेशान हैं, दबंगई से परेशान हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह को एक शिकायत पत्र सौंपा गया है। कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
क्या कहना है छात्राओं का, पहले हम आपको सुना। और आदरणीय मैडम डीआई मैडम आई थी वहाँ पर, तो उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया सर। 26 की 27 की है सर, आई थी वहाँ पर। जाते हैं तो वो लड़के इसपे कार्रवाई की जाए, हम स्कूल जाते हैं इसलिए वो हमें छेड़ते हैं, और हमारे फादर साथ जाते हैं तो उनको भी धमकी देते हैं कि हम मारेंगे, स्कूल नहीं जाने देंगे, हम अपने बच्चों को या बच्चों को पुल पे से उठा के फेंक देंगे, तो इस पे प्लीज कार्रवाई की जाए। कौन दे रहा धमकी? दीपराज। क्या कहता है? वो कहता है कि हम मतलब स्कूल नहीं जाने देंगे, बच्चों को पुल पे से उठा के फेंकेंगे, सबको मारेंगे। कौन है दीपराज? दीपराज लोधी जीरा खानवास। शिकायत की है इसके पहले कभी? किसको? टीचर लोगों को बताया कभी कुछ? नहीं, टीचर लोगों को नहीं। छात्राओं, ग्रामीणों के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू देवलिया भी पहुंची। उनके द्वारा भी प्रशासन से ये मांग की गई कि तत्काल ही असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि छात्र छात्राएं बेखौफ होकर स्कूल जा सकें, ग्रामीण अपने काम बिना किसी डर के कर सके। परेशान है जिस तरह से बताया जा रहा है, आपके द्वारा क्या किया? देखिए, जहाँ तक मैंने पुलिस की लोगों का पुलिस पे से थोड़ा थोड़ा विश्वास उठता जा रहा है, और एक बड़ी समस्या ये भी है कि स्टाफ की समस्या है। जैसे जीरठ में सभी ने बताया कि मात्र एक कांस्टेबल है और एक सिपाही है, और इतनी बड़ी चौकी पे अगर दो लोग रहेंगे तो कैसे संभव हो पाएगा? बार बार यहाँ से बहुत सारे स्टाफ की भी कमी है, साथ ही गुंडों का गुंडाराज इतना अधिक बढ़ गया है कि वो आम जनता को मतलब पूरे गांव से विरोध लेने तैयार है, पूरे गांव के बच्चों को पढ़ने नहीं देते। छोटे छोटे व्यापारी जो निवौरा से वहाँ जाते हैं तो उनको अपना व्यापार करने से मना करते हैं, तरह तरह की धमकियाँ दी जाती हैं, और ऐसी छोटी छोटी गैंगें खासतौर से पथरिया में मैंने देखा है कि कई जगह बन गई, तो इन पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो निश्चित रूप से एक बड़ा कहीं अपराध सामने अपराधिक घटनाएं बढ़ सकती हैं, और आम जनता बड़ी त्रस्त है। अभी हमारी एडिशनल एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब बिक्री का भी कई मामले वहाँ आए हैं, हम लोगों ने भी दो बार ज्ञापन दिए हैं, तो कहीं ना कहीं चूक तो प्रशासन की इस कानून व्यवस्था को लेकर हो रही है। देखिए, शिक्षा से वंचित तो बच्चों को बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। ये जो शिक्षा का मामला है, ये शिक्षित ही है जो आज ये पूरा गांव और बच्चे आज इकट्ठे होके यहाँ पे आए हैं। एक शिक्षा ये इस प्रकार की भी होती है कि आप अपने हक के लिए जरूर लड़ें, तो वो सब लोग यहाँ पे आए। और ये जो केस आया है निमोरा से, जो बच्चियाँ जाती हैं जेरठ हाई सेकेंडरी हाई स्कूल है, तो ये जो असामाजिक जो तत्व रहते हैं ये तो ज़रूर ही आएंगे, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए जो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव थिंग्स जो रहती हैं हमारे समाज में, इनको बैलेंस करने के लिए ये जो आज इकट्ठे सब लोग आए हैं, इसका साथ हमें देना है। और बच्चियों ने जो भी सारी कंप्लेन की है, ये जो दीपराज पुलिस के अगेंस्ट हमने एसपी सर को कंप्लेन की है, और वो इस पर जरूर एक्शन लेंगे। उन्होंने खुद बच्चियों से बात की है, आज बच्चियों ने आवाज उठाई है, काफी परेशानी में है वो जी। आपको कितना भरोसा है कि पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि वहाँ केवल दो लोगों का स्टाफ है, कितनी कार्रवाई हो पाएगी? कोई बात नहीं, आज बच्चियाँ इस यहाँ तक आई हैं, मैं खुद बच्चियों से जाके एक बार जेरेट में जाके स्कूल में मिली हुई हूँ, जो मैंने उनसे बात की थी, और आप पूछ भी सकते हैं अगर वो बच्चियाँ वहाँ पे उस दिन मौजूद रही होंगी, तो मैंने यही बोला था कि अगर आपके साथ कुछ भी परेशानी होती है तो मैं हूँ, कोई भी है, जो भी अधिकारी हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी पॉलिटिशियन, आप उनके पास जाइए, आप अपने हक के लिए लड़िए। और आज उसका एक रिजल्ट मुझे ये देखने को मिला है, और उसके लिए जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो भी हमारी पुलिस है, वो बाकायदा इसके अगेंस्ट एक्शन लेगी, और रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेगा।
इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह से चर्चा की तो उनके द्वारा कार्रवाई का भरोसा दिया गया। चेरठ गांव के रहने वाले पथरिया थाना क्षेत्र में कल थाना पथरिया में पेट्रोल पंजीकृत किया गया है, उसी से संबंधित कुछ लोगों ने और साथ में कुछ वहाँ के स्कूल की बच्चियाँ कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया है। इसमें पूर्व से ही अपराध पंजीकृत है, थाना प्रभारी द्वारा अपराध की विवेचना की जा रही है और विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो छात्राओं को जो आरोप है कि दबंगई दिखाई जा रही, छात्राओं को पुल से नीचे फेंकने की बात की जा रही, स्कूल नहीं जा पा रहे, ग्रामीण वहाँ से निकल नहीं पाते, अब शराब का कारोबार चल रहा है, कई गंभीर आरोप हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि मैंने उनसे बारीकी से बात की है, सभी छात्राओं से थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया हुआ है, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर एक और इसमें बात सामने आई कि चौकी के जो स्टाफ है वो दबंगों को देख के भाग जाता है, ऐसा नहीं है, इस संबंध में भी जानकारी ली जाएगी और यदि ऐसा कुछ है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह आने वाले हैं, उसकी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल, दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह एवं एसडीएम सहित तमाम अधिकारियों के द्वारा शहर का भ्रमण किया गया। बड़ा रोड शो होने वाला है, एक बड़ी सभा भी होने वाली है। तमाम स्थानों को आज दमोह कलेक्टर के द्वारा देखा गया। और उसके सिक्योरिटी के लिए देखने के लिए बैठक ली, मतलब यहाँ पे देख रहे थे। तो निरीक्षण क्या है सर पैदल मार्च के लिए? जी जी, मतलब जहाँ पे पार्किंग और इन सब की व्यवस्था ढंग से हो सके, उससे आवागमन में कोई अवरुद्ध ना हो किसी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरबरिया, लखीडीसीएन न्यूज। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया था, जहां पर एक छात्र की हत्या कर दी गई थी, उसके ही मित्रों के द्वारा ये हत्या की गई थी। मामले में 7 साल के बाद खुलासा किया गया। दृश्यम फिल्म भले ही 7 साल के बाद भी कोई खुलासा न हुआ हो, लेकिन दमोह की पुलिस ने एक मामले को सुलझा दिया है। वर्ष 2016 में एक बालक गुम हो गया था। 15 वर्षीय बालक हटा के बुंदेली मेले को देखने पहुंचा था, इसी बीच वह गुम हो गया था। तब से लेकर आज तक कोई जानकारी इसके संबंध में नहीं लग पा रही थी। पुलिस लगातार इस मामले को लेकर परेशान थी। वह अपने दो मित्र टीकाराम और सतीश साहू के साथ बुंदेली मेला देखने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा था, जिसके बाद परिवार के द्वारा FIR दर्ज कराई थी। पुलिस के द्वारा काफी प्रयास किया गया, लेकिन मामले में सफलता नहीं मिली। 7 साल हो गए, आज भी मेरी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। विजय का केस वापस गर्म हो गया, पुलिस सॉलिड एक्शन में। अरे हर साल यही सुनते आया हूँ, पुलिस यहाँ खोद रही है, वहाँ खोद रही है, लेकिन मिलता क्या है? पुलिस के द्वारा दोनों दोस्तों से कड़ाई से पूछताछ की गई थी। दोनों दोस्तों के द्वारा इस बात का खुलासा कर दिया। बताया जाता है कि प्रेम संबंध छुपाने के लिए हत्या की गई थी। गौरी शंकर मंदिर के समीप जो श्मशान है, उसके पीछे जो जंगल झाड़ियां हैं, वहां पर गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया गया था। आरोपी पकड़े गए, जिनके द्वारा बताया गया कहां पर शव को दफनाया गया, जहां से कंकाल निकाला गया। संपूर्ण मामले का दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने विस्तार से खुलासा किया। ये 2016 की घटना है। 19 फरवरी को एक अनिकेत मिश्रा पिता कैलाश मिश्रा, जिसकी उम्र करीब 15 साल थी, वो अपने गुम गया था, जिसकी रिपोर्ट 20 तारीख को दर्ज हुई।
और इस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मुकदमा भी कायम हुआ था 363 का, और पुलिस ने बहुत प्रयास किया था और पुलिस के प्रयासों के बावजूद भी ये घटना खुल नहीं पाई थी। और कई बार होता है कि नहीं हो पाता है, लेकिन उस मामले में जो लोग राडार में थे, जो लोग पुलिस के राडार में थे और जो संदेही थे, क्राइम संदेही थे, वो लोग लगातार संदेही बने रहे और पुलिस ने लगातार इस मामले पर ध्यान दिया। और निसंदेह उस मामले में जो पुलिस ने उस समय किया था वो वर्तमान में पुलिस के लिए गाइडलाइन का काम किया और पुलिस ने अंततः छुपाया था, तो इस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। और निसंदेह जो टीम है इस समय और जो पहले के प्रयास थे, दोनों का सकारात्मक परिणाम हुआ कि घटना प्रेस हुई। और अपने आप में विश्वास का बहुत बड़ा आधार है कि लोगों को इस बात का भरोसा भी करना चाहिए कि पुलिस किसी घटना को छोड़ती नहीं है, अंतिम समय तक प्रयास करती है। और इस घटना के खुलासे ने इस बात को साबित किया कि हम 7 साल बाद भी, 7.5 साल करीब बाद भी इस घटना में, घटना को खुलासा करने में पीछे नहीं हटे। इसके लिए एसडीओपी साहब हमारे और उनके साथ साथ TI हट्टा साहब, दोनों लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। और इस तरह के काम पुलिस विभाग में बिरले होते हैं, कभी कभी होते हैं, हमेशा नहीं होता इस तरह का काम। और इतने लंबे अंतराल के बाद किसी घटना का ट्रेस होना एक पुलिस के लिए भी एक। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सभी जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हिंडोरिया में पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, हेलमेट न लगाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। वरिष्ठ पत्रकार एवं कलाकार लक्ष्मीकांत तिवारी जी के श्रद्धांजलि सभा मानस भवन में आयोजित की गई, जिसमें दमोह विधायक अजय टंडन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा के साथ बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों के साथ आम जनमानस शामिल हुआ। सभी के द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, कला संस्कृति से जुड़े लोगों के द्वारा भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और लक्ष्मी भैया के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा कि उनका एक बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। जो स्वाभिमान शब्द है उनके लिए इसलिए लागू होता है कि कोई भी शादी ब्याह पार्टी के कार्यक्रम में अगर कोई हमसे बोल गया या किसी साथी से बोल गया कि लक्ष्मी भैया को बोल देना, तो लक्ष्मी भैया ने कहा यार हमारी बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मतलब इतना स्वाभिमान, वो कभी निडरता तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा थी कि अभी ओपी भैया ने बताया कि कहीं पे भी चले जाए। एक बार कलेक्टर के बंगले में चले गए, वहाँ पर भी उनने अपने तरीके से रिपोर्टिंग की, उनके ऊपर मामला भी बना, फिर सभी के कहने से मामला ख़त्म भी हुआ। लेकिन निडरता के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। हम इस बार से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि उनके परिवार में जो आज दुख की घड़ी आई है तो उसको सहन करने की उन्हें शक्ति दी जाए, भविष्य में उनका परिवार दुखों से दूर रहे। आज भी कोई जरूरत पड़ती थी तो लक्ष्मी भाई सबसे पहले खड़े रहते थे। ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है, निश्चित रूप से हम लोग स्तब्ध हैं, निशब्द हैं, लेकिन होनी का जो विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता। जिस चौराहे से लक्ष्मी भाई ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी, लगभग 30 साल उनके वही बीते हैं, वो रही उनकी अंतिम कर्मस्थली रही है। ऐसे दुख के क्षणों में परिजनों के प्रति पूरी संवेदना पूरे पत्रकार साथियों की तरफ से, शहर की तरफ से व्यक्त करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि जहाँ मीडिया के साथियों की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, आप आधी रात को हम लोगों को याद करेंगे तो हम लोग खड़े रहेंगे। वैसे भी लक्ष्मी भाई का परिवार हमारे एसआईडी वार्ड से जुड़ा रहा है, टंडन बिल्डिंग के पीछे से जो उमा मिश्री की तलैया वाली गली जाती थी वहां पे लक्ष्मी भाई का परिवार शुरू में रहता था। उनके बड़े भाई सब लोग रहते थे, पतंग का काम होता था, सब लोग मुन्ना पतंग वाले बोलते थे। हमारे पिताजी की साइकिल की दुकान थी और परसों लक्ष्मी भाई के परिजन बैठे हैं। आज सब यादें हैं लेकिन लगता है हम लोग व्यस्तता की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहां से कहां पहुंच गए। आज जब नहीं है तब इन चीजों को याद कर रहे हैं, और जब रहते थे तो नहीं कर पाते थे। उन्हें भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लोगों ने मिलकर काम किया था और एक लंबा अनुभव भाई लक्ष्मीकांत तिवारी जी के साथ हमारा रहा। बहुत दुखद घड़ी है,
हमन को आज यहाँ से याद कर रहे हैं। बुंदेली दमो महोत्सव भी हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आज हम सबके बीच छोड़कर यहाँ चले गए। ऐसी दुखद घड़ी में हमने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अर्षद बंटी पठान, लकड़ी से न्यूज दबाव। तेंदुखड़ा जनपद पंचायत में सरपंच संघ अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना था। तेंदुखड़ा जनपद में 62 ग्राम पंचायत है जिसमें 35 पद पर महिलाएं चुनी गई हैं। जनपद सभा कक्ष में जनपद अध्यक्ष तुलाराम यादव सहित ग्राम पंचायतों के सरपंच उपस्थित थे। सभी सरपंचों ने नीतू साहू को निर्विरोध अध्यक्ष चुना। वह ग्राम सियालवाड़ा की सरपंच है। उपाध्यक्ष पद के लिए ग्राम सांगा के सरपंच एडवोकेट नितिन जैन को चुना गया। सचिव पद पर युवराज आदिवासी को चुना गया। सभी का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। आज तेंदुखेड़ा जनपद सभागार में उपस्थित सभी सरपंचों ने निर्विरोध नीतू साहू को चुना है। मैं सभी सरपंचों का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं और ऐसी जो शासन द्वारा महिलाओं को आगे किया जा रहा है इसके तहत जो आरक्षण भी दिया जाता है महिलाओं को और सभी ने जो महिलाओं का आगे बढ़ाने का काम किया है ऐसा होना ही चाहिए। बिल्कुल महिला शक्ति को आगे आना चाहिए मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आज हम जनपद अध्यक्ष ब्लॉक तेंदुखड़ा में खड़े हैं जिसमें हमें जिला ब्लॉक में अध्यक्ष चुनाव सरपंच संघ में नियुक्त किया गया है और मैं इस पद के लिए सभी का धन्यवाद करती हूं और मेरी यही कोशिश रहेगी मैं पूरी 62 पंचायतों को अपना समय दूंगी और सभी पंचायतों जो पिछड़ी हुई पंचायतें उनको भी विशेष तौर से ध्यान में रखूंगी और सभी पंचायतों को एकजुट होकर सभी काम करेंगे जिससे हमारे ब्लॉक का नाम अधिक रोशन होगा। आज हमारी जनपद सभागार में सरपंच संघ का चुनाव होगा जिसमें सर्वसम्मति से श्रीमती नीतू साहू को निर्विरोध चुना गया। इसमें आज सरपंचों में एक बड़ा जोश आया। एक महिला को आगे पद पर बैठाया। इसके लिए हमारे सरपंच संघ में बहुत मजबूती आएगी क्योंकि युवा होने के कारण महिला में भी वो शक्ति होती है कि जो अधिकारी के यहाँ जाए तो अधिकारी को मानना पड़ती है क्योंकि एक कहावत है घर की अगर महिला कोई रूठ जाए तो पति को मानना पड़ती है। इसी प्रकार एक महिला किसी अधिकारी के यहाँ जाएगी तो सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है या कोई एक सियान बुजुर्ग जाए उसके लिए भी सोचना पड़ता है कि आज ये आए उनका काम करें। इसलिए हमारे जनपद में बड़ा जोश है, बड़ी खुशी की बात है और हमारी सरपंच में बड़ा जोश है, ताकत आ गई है। इसलिए मैं जो आज ग्राम पंचायत जनपद पंचायत के बीच में संगठन का जो अध्यक्ष है जो आज नारी शक्ति के लिए जो कि 35 सरपंच है नारी हैं महिलाएं जे के बीच में उन लोगों को आज आवाज दबाई जाती है तो आज की जो नई पीढ़ी है जो नई पीढ़ी में जो सरपंच बने हैं उन लोगों को सभी का एक एक नारियों जब सम्मान उन जब वे लोग सरपंच बनते हैं उनको भी अपना आगे लाएं इसके वास्ते सभी लोगों ने सरपंचों ने इस विचार किया और जो आज नीतू साहू जी को अध्यक्ष बनाया इसी बात पे अपनी सभी को धन्यवाद देता हूं। तेंदुखेड़ा से अंशुल के साथ भरत साहू की रिपोर्ट। सागर जिले के कड़ाकुटा मुहर्रम के चलते सवारियों ने शहर गश्त की। बीती रात हर साल के मुताबिक इस साल भी मुहर्रम की 8 तारीख को महाराणा प्रताप बाट कोटा मोहल्ला से बाद नमाज इशा आरिफ बाबा की सवारी उठाई गई जो नगर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए हजरत दूल्हा सैयद की दरगाह पहुंचकर सवारी ने सिरदा की और वापस अपने मुकाम पर पहुंची। सवारी में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। वहीं दूसरी ओर 9 तारीख को लालपुरा गांधी बाट से शरीफ बाबा की सवारी बाद नमाज इशा की निकाली जाएगी जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस अपने मुकाम तक पहुंचेगी। इस संबंध में शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष जनाब नासिर भाईजान के द्वारा जानकारी दी गई।
का मोहल्ला से आर्य बाबा की सवारी उठाई गई, इसके बारे में क्या कहोगे? हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम के मौके पे आर्य बाबा की सवारी आज मुहर्रम की 8 तारीख को गड़ाकोटा के कोटा मोहल्ले से निकली और ये सवारी शहर गश्त करती हुई किले में जाकर पहुंचेगी और वहाँ बाबा की दरगाह पे सवारी पहुंचेगी। और हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम की 10 तारीख को करबला के मैदान पहली बार ताल किया जाएगी और सवारी वहाँ भी जाएगी। इस तरीके से ये त्यौहार मनाया जाएगा। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। मड़ियातों में एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। शुक्रवार को प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़ियातों में यह आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं और स्टाफ के साथ परिचर्चा टाइगर की उपस्थिति से पर्यावरण और जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव विषय पर की गई। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे जिन्हें इनाम भी दिए गए। बाद में रन फॉर टाइगर नाम से छोटी दौड़ का आयोजन किया गया। सकारात्मक जानकारी देने वाली पुस्तकें और फलों का वितरण भी किया गया। मर्यादा से यूसुफ खान की रिपोर्ट। तेंदुखेड़ा ब्लॉक के समस्त आदिवासी समुदाय के लोगों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। महामहिम राष्ट्रपति के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया। आदिवासी राज्य मणिपुर में लगातार कुछ महीनों से आदिवासी समाज के लोगों के साथ हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं जो पूरे देश को कलंकित कर रही हैं। सरेआम आदिवासी युवतियों के साथ बलात्कार कर खुलेआम वीडियो बनाकर इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। ऐसी घटनाओं का समाज पर बुरा असर पड़ता है। तमाम समाज के लोगों के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंप कर कठोर कार्यवाही की मांग की है। आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है उनके संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं। जो सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है, जो आदिवासी महिलाओं नग्न करके घुमाया जा रहा है, उसकी वहाँ पर बैठा है। उसके बाद मणिपुर सरकार उनका बेटा देती है और जो केंद्र सरकार है वो भी पूर्णतः वहाँ पर कुछ लगाने के पड़े और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो तो देश से बाहर ही घूम रहे हैं। जबकि मणिपुर में इस टाइप की हिंसा घटनाएं हो रही है, इस संबंध में उचित से उचित कार्रवाई उन पर करी जाए और दूसरों जो है दंड दिया जाए। देखिए, आज हम लोग देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं मणिपुर राज्य के संबंध में। मणिपुर राज्य एक छोटा सा आदिवासी राज्य है जहां कुछ महीने से लगातार आदिवासी समुदाय के ऊपर अप्रिय घटनाएं घटित हो रही हैं और केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने में विफल है। इसी संबंध में हम लोग तेंदुखेड़ा के आदिवासी समुदाय के लोग इस संबंध में ज्ञापन देने आए हुए हैं कि आरोपियों को कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। क्योंकि मणिपुर एक छोटा सा राज्य है जहां आदिवासी समुदाय की सर्वाधिक जनसंख्या होती है और देश में राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय का होने के बाद भी आदिवासियों के अधिकार, आदिवासियों की संस्कृति, रीति रिवाज हनन हो रहा है। ये आदिवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर अति शीघ्र मध्य केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार अगर आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही नहीं करती है तो समूचा भारत देश के आदिवासी समुदाय इस मामले पर चुप नहीं बैठेगा और धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन। अमानवीय घटनाएं घटित हुई हैं, ऐसे घटनाएं पूरे देश को हर वर्ग को शर्मसार करती हैं कि आप देख रहे होंगे कि इतने जो ये आप ये घटनाएं हो रही हैं, जो घटित हो रही हैं, इसमें दोषी कौन है? इसमें टोटली मणिपुर सरकार दोषी है। आपको 2 महीने तक ये घटनाएं होती हैं, 2 महीने के बाद आपको पता चलता है, 2 महीने के बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मणिपुर में घटना घट रही है, जबकि पिछले 2 महीनों से वहाँ पर ये घटनाएँ घटित हो रही हैं और मणिपुर पूरा जल रहा है। तो हमारी समूचे आदिवासी समाज की यही मांग है कि जो उसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जो कुक्की जनजाति है वहाँ पर, कुक्की जनजाति के साथ दुराचार हुआ है, 3 महिलाओं को घुमाया गया है और उसमें एक आपने भी सुना होगा कि एक जो कारगिल युद्ध में लड़े हुए जो व्यक्ति थे उनके ने एक
ये बोला हुआ है कि मैं कारगिल में युद्ध लड़ा, कारगिल के दौरान मैंने लड़ाई लड़ी, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा सका इन दुराचारियों से, तो उनके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उनको फांसी दी जाए। तेंदुखेड़ा से अंशुल के साथ भरत साहू की रिपोर्ट। पटेरा में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। पटेरा से प्रारंभ होकर बानकपुर धाम तक ये कांवड़ यात्रा पहुंचती है। महिलाएं, बच्चे, युवा सभी नाचते गाते बाबा भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचते हैं। श्री जागेश्वरनाथ धाम में विशेष पूजन अर्चन का आयोजन भी किया जाता है। पटेरा से विजय ताम्रकार की रिपोर्ट। दमोह के अर्धेश्वर घंटाघर के समीप स्थित है श्री बूंदाबहु मंदिर, जहां पर वर्ष भर अनेक आयोजन होते हैं। परसोत्तम मास के चलते एवं सावन माह के चलते यहां प्रतिदिन सुबह से लेकर देर रात तक भव्य धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। संजय सरवरिया, लखड़ीसिया न्यूज़, दबाव। खबरों में बात करते हैं हटा की। हटा नगर की पावन धरा पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार के उपरांत अब कहीं भी इस तरह के दिव्य दरबार लगने लगे। साथ ही आयोजकों के बीच दरबार सजाकर भक्तों को एकत्रित करने की होड़ भी लगी हुई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों हटा नगर के गंगा झरिया क्षेत्र का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें सजे दिव्य दरबार के संचालक ठीक उसी तरह से पर्चा बनाकर लोगों के अतीत को बताते दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बनाते हैं। बोलो कब से हो, कितना समय होगा बताओ, कितना समय होगा, कितना समय बताओ, बचना था।
बुंदेलखंड में इस तरह के दरबार लगातार लगाए जाते हैं, काफी भीड़ इकट्ठा होती है। हालांकि कई बार ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं जब दरबार कुछ समय के बाद बंद हो जाते हैं। अभी सप्ताह मंगलवार को नगर के ककराई क्षेत्र में भी एक दिव्य दरबार आयोजित किया गया। पंडित श्री धर्मेंद्र गौतम के अनुयायियों की बड़ी भीड़ यहाँ पर नजर आई। पत्रकारों को कवरेज करने इस दरबार तक दौड़ना पड़ा। बताया जाता है कि गौतम जी का दरबार पहले सुमेर धाम में लगता था, लेकिन यह धाम किसी डैम के डूब क्षेत्र में आने के कारण छतरपुर जिले के हरपालपुरा में लगने लगा। बाबा का दावा कि उनके भी दरबार में आने वाले सभी भक्तों की समस्याएं हल हो जाती हैं। सुनिए। अभी बताओ क्या दिक्कत है? भाई बोलो, सुना कम सुनाई देता है, माइक से बोलो, कम सुनाई देता है, मेरे हैं स्वामी जी की कार नंबर के अभी आपका नंबर मिलने वाला। अच्छा, और बताओ? अच्छा, और ठीक है, पढ़े हो तो पढ़ो। हनुमान सरकार की झलक बता रहे आई थी, हनुमान जी सरकार की झलक बता रहा है, घर में ऐसा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि लहसुन प्याज का सेवन करता है और विश्वास उठा दिया है। बोलो बालाजी सरकार की जय। बालाजी सरकार का विश्वास तुमने खत्म कर दिया है कि नहीं है, सत्य बताना। अभी है, यहाँ बैठा है, जब तक अभी बीच में तूने बालाजी सरकार को खो दिया था, कह दिया था कि मुझे नहीं है विश्वास भगवान के ऊपर, कहा था कि नहीं, माइक में से बोल, सही बता, कहा था। राजा राम भगवान की जय, बालाजी सरकार की जय, पृथ्वीराजा सरकार की जय। और हमारे यहाँ विकट समय से सुमेर धाम में पृथ्वीराजा सरकार का दिव्य दरबार लगता है और झाड़ा लगाया जाता है। ये पुरानी पृथ्वीराजा सरकार की छड़ी है, इससे झाड़ा लगाया जाता है। किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत होती है तो लोगों को आराम लग रहा है। और निःशुल्क दरबार है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। धाम पर जो हमारा धाम है, तो सुमेर में क्या हुआ कि एक डैम पर बना था तो जल स्तर वहाँ आ गया, तो वहाँ से दरबार जो अब लगने लगा हमारा, हरपालपुरा के पास में है धाम हमारा, तो संकटमोचन धाम में हर मंगलवार को दरबार लगता है और निःशुल्क दरबार वितरण कार्यक्रम चालू रहता है और झाड़ा लगाया जाता है, लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। धोलिया खेड़े के ककराई क्षेत्र में आयोजित इस दिव्य दरबार में अर्जी लेकर आने वाले लोगों में पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर के लोग शामिल हैं। देर शाम तक ये तांता लगा रहता है, चार पहिए वाहनों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इन्हीं आस्थावान श्रद्धालुओं से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। जी, क्या नाम आपका? अजय अजय। क्या, कहाँ आए आप? यहाँ गुरु जी धर्मेंद्र गौतम जी गुरु जी हैं जो यहाँ दरबार लगाते हैं, मतलब बुधवार गुरुवार को दरबार लगाते हैं यहाँ। और सुमेर में अभी पानी भरा है जहाँ इनका धाम है, तो हरपालपुरा में संकट मोचन का मंदिर है वहाँ पे लग रहा है। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हम आ रहे हैं चार बार, चौथी बार आ चुके हैं। मनोकामना पूरी हुई क्या आपकी? हाँ, पूरी हो गई, पूर्ण आराम। क्या थी समस्या? प्रेत फादर। अब ठीक है जी, क्या नाम आपका? अमीरा लोधी। कौन से गांव से? तो हम खूब हमारी दवाई हो रही, जबलपुर में कराई हमने, भोपाल में दवाई कराई, खूब ब्लेड बढ़ रहा। तो हर महीना जब से हम सुमेर धाम गए जब से हम ठीक आई हैं, पाँच महीना हो गए, कौन हो जाए पाँच महीना। अब ठीक है, अब कोई समस्या नहीं है? अब तो बस तो आँख में दिक्कत है, कोहरा से छा रहा था, आँख में झरा भी आ जाए। कहाँ लगता है दरबार? सुमेर धाम में। मेरा नाम राकेश राय है, ग्राम देहरवारा से हूँ, जिला पन्ना मध्य प्रदेश से हूँ। और मेरे को
डॉक्टर ने एक ऑपरेशन कर दिया, दो दो नली डली है, एक पेट में से एक बाथरूम से। तो मैं इधर बागेश इधर आया सुमेर धाम के गुरु जी के पास, तो वहाँ अर्जी मैंने डाली। मेरे को बहुत ज़्यादा जलन होती थी, वो तो मेरी जलन कम हो चुकी है। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। महाराज आस्था है या अंधविश्वास, लगातार लोगों की भीड़ जमा हो रही है इस क्षेत्र में। श्री बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा जो दरबार लगाया गया था, उसके बाद लगातार इसी तरह के कई दरबार इस क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। स्थानीय पुराना बाजार चिश्ती नगर स्थित दरगाह ख्वाजा अब्दुल सलाम साहब चिश्ती के आशियाने पर चांद की 8 तारीख को फातिहा हुई, बाद में यही मुहर्रम की 8 तारीख भी मनाई जाती है। ये पुराना बाजार चिश्ती नगर में स्थित दरगाह हजरत ख्वाजा अब्दुल सलाम साहब चिश्ती का दरबार है, और यहाँ पर उर्दू कैलेंडर के अनुसार चांद की 8 तारीख को फातहा खानी का विशेष आयोजन होता आ रहा है। आपको बता दें, जो साल भर चांद की 8 तारीख को यहाँ पर फातहा खानी होती है, दरअसल वो मुहर्रम की चांद की 8 तारीख थी जब सरकार ख्वाजा अब्दुस्सलाम साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को विलायत हासिल हुई थी। जी हाँ, 8 मुहर्रम का दिन था और उर्दू कैलेंडर के अनुसार चांद की 8 तारीख, यानी 8 मुहर्रम को ही आप सरकार ख्वाजा अब्दुस्सलाम साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को विलायत हासिल हुई, आपके मर्तबे भी बढ़ाए गए थे। और ये फातहा खानी चांद की 8 तारीख को इसी सिलसिले से सरकार ख्वाजा अब्दुस्सलाम साहब चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद अपने मुरीदों और शिष्यों के बीच में इस फातहा खानी का आयोजन किया करते थे। वो सिलसिला आज भी जारी है और 8 मुहर्रम के मौके पर यहाँ तमाम मुरीद और उनके चाहने वाले जमा हुए और अपने पीरो मुर्शिद को जो मर्तबे हासिल हुए थे उसी हवाले से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए तमाम मुरीदों ने फातहा खानी में शिरकत की। और ये सिलसिला बहुत पहले से चला आ रहा है और आगे भी जारी रहेगा। मुहर्रम की चांद की 8 तारीख को अल्लामा मौलाना मुर्शिदना कुतुब जामा शेख मशायख हजरत ख्वाजा अब्दुल सलाम साहब चिश्ती रहमत रिजवान की 8 तारीख को बिलखसूस तरीके से आज फातहा होती है। हर महीने की 8 तारीख होती है, लेकिन मुहर्रम की 8 तारीख को खसूसी तौर से फातहा होती है। किसी लिए हमारे पीर मुर्शिद को विलायत हासिल हुई। आज का ही वो महीना उर्दू कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम की 8 तारीख थी जब सरकार को विलायत हासिल हुई। तो क्या इसी हवाले से 12 महीने जो चांद की 8 तारीख मनाते हैं? हाँ, वो इसी हवाले से फातहा होती है हर चांद की 8 तारीख आप लोगों के लिए। ये हमारे पीर मुर्शिद हुजूर मौलाना ख्वाजा अब्दुस्सलाम चिश्ती की विलायत हासिल होने का दिन है। इसी 8 मुहर्रम अल हराम को हमारे पीर मुर्शिद को विलायत हासिल हुई और उनकी हिदायत के मुताबिक हम लोग हर माह 8 तारीख को फातहा करते हैं चांद की, और मुहर्रम अल हराम में खास तौर से ये फातहा खानी करती। चलते चलते एक नज़र मुख्य समाचारों पर। मामा की भांजिया दबंगों से परेशान, बुलडोजर चलाने की मांग। सहायक कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार कलाकार स्वर्गीय लक्ष्मीकांत तिवारी को दी गई श्रद्धांजलि। हत्या के मामले में 7 साल के बाद हटा में हुआ खुलासा। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पढ़े हर जरूर होंगे, तब तक लिए दीजिए मैं जाचर।